नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक हमारे पास 39 इंच का फिलिप्स का दोस्तों एक टीवी है। यहाँ पर मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये 39 PFL 3539 V7, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसमें दोस्तों बैकलाइट का फॉल्ट जो है वो रिपेयर करेंगे। ड्राइवर सेक्शन में हमारा फॉल्ट है, जैसे अब यहाँ पर देखेंगे एक हमारा PFC सर्किट है। यहाँ पर देखेंगे जो तीन चॉपर लगा हुआ है हमारा, तो दोस्तों ये तो वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा एक सेक्शन जो है दोस्तों, जो बैकलाइट सेक्शन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बैकलाइट का है, ये सेक्शन दोस्तों हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम ये वाला बैकलाइट ड्राइवर को हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करना है दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे बैकलाइट का दोस्तों बहुत सारे वायर यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों, जो कि मैं गिनता हूँ। ये वाला एक, ये दो, और ये वाला हमारा तीन हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा तीन हो गया, और ये वाला हमारा दोस्तों, यानी कि इसमें दोस्तों हमारे चार तो दोस्तों स्ट्रिप लगे हुए हैं, और ये वाला दोस्तों पैरलर में लगा हुआ है। अब इसको कनेक्शन कैसे करना है जब हम इसको डालेंगे दोस्तों, देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबको जोड़ के हम इसको जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ आप किस स्टेप से करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आप किस स्टेप से इसको करेंगे। ये वाला दोस्तों, अब अगर आप एक टेक्नीशियन है दोस्तों, तो आप बैकलाइट ड्राइवर कोई से भी डाल सकते हैं, यानी आपको नॉलेज होगा, लेकिन हम इसको डालेंगे, ठीक है। और कैसे करना है कनेक्शन दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा मैं वीडियो को दोस्तों पॉज कर रहा हूँ, और मैं आपको इसका कनेक्शन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वाला हमारा इन्वर्टर सेक्शन का दोस्तों ये एरिया में हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एरिया में हमारा प्रॉब्लम है, इसलिए हम इस वाले कार्ड को इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आगे का डिटेल, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बैकलाइट ड्राइवर को मैंने क्या किया है, सिंपल सा दोस्तों, कोई हैवी काम नहीं है। एक मैंने 12 वोल्ट, एक ग्राउंड, और हमारा एक ऑन ऑफ दे दिया, जो कि हमारा यहाँ से आ रहा था, इधर दिखाएंगे थोड़ा, हाँ यहाँ से बन रहा था दोस्तों। आप 12 वोल्ट इसको दे सकते हो, वैसे दोस्तों ये वाला बोर्ड हम 24 वोल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा 24 वोल्ट बोर्ड में हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। 12 वोल्ट में भी दोस्तों ये अच्छा काम करता है, ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों हमारा मेन जो काम है, ये वाला, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चार हमारा जो पैरलर में जुड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक वाला दोस्तों, कभी भी आप बैक लाइट का काम करेंगे तो पहले आप उसका वोल्टेज वगैरह डिटेल में एक बार जान लीजिएगा, ताकि ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ये वाला दोस्तों हमारा पैरलर में है, तो एक लाइट हमारा कितना वोल्ट ले रहा है वो हम इसको बैक लाइट टेस्टर की मदद से चेक करेंगे। जैसे मैं एक को पकड़ता हूँ, और एक हमारा दोस्तों यहाँ पर मैंने एक हमारा जो लाइट है बैक, जो चार पैरलर में जुड़े हुए थे, उसका एक ठो को मैंने यहाँ पर वोल्टेज चेक किया। आप बैकलाइट टेस्टर में देख सकते हैं दोस्तों, ये 29.7 और 30 वोल्ट के आसपास बन रहे हैं दोस्तों, यानी कि एक हमारा जो दोस्तों वो लाइट है वो 30 वोल्ट के आसपास ले रहा है, ठीक है। और इसमें हमारा चार पैरलर जुड़े हुए हैं, यानी कि दोस्तों 30 × 4 करेंगे हम लोग, तो 4 × 3 = 12, 120 वोल्ट के आसपास अगर हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो हमको 120 वोल्ट रिक्वायरमेंट होना चाहिए इसमें, ठीक है। दोस्तों ये 120 वोल्ट तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, दो दो का पैरलर बनाएंगे, यानी दो दो का सीरीज बनाएंगे, सॉरी दो दो का सीरीज बना के इसमें जोड़ेंगे। अब उसमें होगा क्या, जैसे दो दो का बनाएंगे तो दोस्तों वो 60 वोल्ट लेगा, ठीक है, 60 वोल्ट लेगा, तो दोस्तों ये अच्छा काम करेगा। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, पैरलर में जोड़ने से थोड़ा सा लाइट कम आता है, तो हम आगे देखेंगे दोस्तों। लेकिन ये चार वाले को दोस्तों आप हमेशा पैरलर बना के ना जोड़े, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा एम्पियर भी थोड़ा कम है, पैरलर में थोड़ा जोड़ेंगे दोस्तों तो एम्पियर ज़्यादा लेता है, लेकिन कोई नहीं, हम इसको पैरलर में जोड़ेंगे और देखेंगे हमारा लाइट कितना आ रहा है। अगर हमारा लाइट कम आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप एक टेक्नीशियन है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा एडजस्टेबल करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमारा अगर लाइट थोड़ा कम आया तो हम यहाँ से वोल्टेज को दोस्तों आगे बढ़ा सकते हैं इसको शॉर्ट करके, ठीक है। तो दोस्तों आइए पहले मैं क्या करता हूँ, ये दो दो का पैरलर को मैंने जोड़ता हूँ, ठीक है, दो दो का पैरलर को अलग करके इसमें मैं कनेक्शन करता हूँ, और हमारा लाइट कितना आता है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये दो पेयर मैंने इकट्ठा कर लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो पेयर में मैंने दोस्तों, इधर थोड़ा सामने लाएंगे भैया, हाँ, ये दो पेयर में दोस्तों हमारा एक पॉजिटिव एक निगेटिव को मैंने साथ में कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का निगेटिव निकाल लिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दो लाइट को मैंने सीरीज कर दिया है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे सीरीज मतलब। सेम दोस्तों यहाँ का भी मैंने क्या किया है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को ले लिया है, और साथ ही में एक निगेटिव एक पॉजिटिव को मैंने बाहर निकाल लिया है, ताकि हम कनेक्शन करेंगे
अब ये करने के बाद दोस्तों हमारा दो दो लाइट आ गया, यानी कि दो दो कनेक्शन आ गया है। तो हमारा जो दो कनेक्शन है, एक पॉजिटिव, क्योंकि दोस्तों हमारा ये यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे हम लोग, तो दोनों पॉजिटिव को मैं दोस्तों जोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये जोड़ देता हूँ मैं, यहाँ से ये जुड़ गया। अब जो निगेटिव बच गया, वो दोनों निगेटिव को मैंने इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, जो भाई नए नए टेक्नीशियन है उनके लिए काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट जोड़ देते हैं इन लोग। अब दोस्तों ये वाला और ये वाला, ये तो हमारा सीरीज वाला था। अब ये जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों निकला है, जिसको मैंने दोनों कनेक्ट किया है, वो दोनों को दोस्तों मैंने बैक इन्वर्टर में कनेक्शन कर देना है, ठीक है। जो पॉजिटिव पॉजिटिव दोस्तों यहाँ पर भी दिखाएंगे थोड़ा, आप कैपेसिटर में ना दे, ये जो कनेक्शन दिया हुआ है इसमें आप जोड़ेंगे। मैं दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर दो टो वायर मैं निकाल के रखा हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव। चलो दोस्तों कनेक्शन जोड़ते हैं, और हमारा लाइट कम आता है ज़्यादा आता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों फाइनली मैं क्या किया हूँ, बैकलाइट कनेक्शन को जोड़ लिया हूँ। अब हम पावर देते हैं और देखते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे दोस्तों पावर। यहाँ पर दोस्तों मैंने पावर दिया है, यहाँ पर दिखाएंगे स्टैंड बाय लाइट हमारा आया कि नहीं, यहाँ पर इधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, यहाँ पर थोड़ा आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर आप यहाँ से देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपको दोस्तों रेड रेड दिख रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये रेड रेड दिख रहा है दोस्तों, स्टैंड बाय में आ गया। इसको हम पावर देते हैं, यहाँ से इधर दिखाएंगे, इधर इधर यहाँ से ऑन करता हूँ मैं दोस्तों। ये पावर ऑन हो गया है, अब हम देखते हैं उठा के हमारा लाइट आया कि नहीं। हमारा डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिलिप्स एकदम ओके आ गया है, और लाइट देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, जो कि मुझे तो दोस्तों ये ठीक लग रहा है, कहीं कम नहीं लग रहा है। हाँ, अगर लाइट हमारा कम आता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर थोड़ा लाएंगे, ये दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज का हमारा दिया गया है। यहाँ से आप दोस्तों अगर आपको लाइट कम लग रहा है तो यहाँ से आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ा थोड़ा सा तो हमारा लाइट भी एकदम ओके आ जाएगा। और ये मॉस्फेट की बात करूँ दोस्तों तो एकदम नॉर्मल है, कोई हीटिंग नहीं है। मैं आपको वोल्टेज भी यहाँ पर इसको चेक करा के दिखा देता हूँ ताकि कितना वोल्ट बन रहा है। थोड़ा सा दूर करेंगे, थोड़ा दूर करेंगे भैया, 62.4 वोल्ट के आसपास ले रहा है मेरा, यानी कि दोस्तों दो स्ट्रिप मैंने सीरीज बनाया है और दो स्ट्रिप को सीरीज बनाया, यानी दोस्तों दो दो का पेयर बनाया हूँ। तो एक पेयर हमारा 30 वोल्ट का था और एक पेयर हमारा 30 वोल्ट का था, तो दोनों को जब मैंने कनेक्ट किया तो 62 वोल्ट वही बता रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हीटिंग के मामले में दोस्तों एकदम नॉर्मल है, कोई हीटिंग नहीं है, और हमारा लाइट भी दोस्तों कम नहीं है, एकदम ओके परफेक्ट आ रहा है। अगर हाँ कम आता तो हम वहाँ से उसको वोल्टेज से हम उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, और नए नए टेक्नीशियन भाई को कुछ नया थोड़ा सा नहीं दोस्तों कुछ भी तो सीख मिला होगा, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।